कैसे हो आप सब, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग गैजेट के बारे में। बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक माइक्रोफोन के बारे में। अब अगर आप सोचेंगे कि एक माइक्रोफोन कैसे एक्साइटिंग हो सकता है, तो भाई डेफिनेटली वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं जूम H1N हैंडी रिकॉर्डर के बारे में, इसके यूज केसेस जैसे फिल्म मेकिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, यूट्यूब वीडियो, इन सब के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ बहुत ही कमाल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरऑल कैसा है। ऊपर की तरफ दो माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, नीचे उसके एक गेन डायल देखने को मिलता है जिससे आप इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि पुराने नोकिया के फोन के डिस्प्ले की फीलिंग देता है। उसके नीचे आपको चार बटन्स देखने को मिलती है, ऑडियो, लो कट, लिमिटर और ऑटो लेवल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक रिकॉर्डिंग बटन देखने को मिलता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग एक्सेस करने के लिए भी कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं। इस माइक्रोफोन में आप दो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, MP3 और वेव, और वेव में आप 24 बिट तक के रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग में काफी हेल्प करता है ये। इसके अलावा आप इसमें लो कट यूज कर सकते हैं, इससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे की साउंड कट हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें आपको लिमिटर देखने को मिलता है, इससे आप हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को कट कर सकते हैं, और इसके साइड में आपको एक ऑटो लेवल देखने को मिलता है जिससे आप ऑटोमेटिकली गेन एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी साइड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लाइन आउट का पोर्ट देखने को मिलता है जो आप डायरेक्टली हेडफोन लगा सकते हैं या फिर कोई और चीज में आप इसका आउटपुट देना चाहते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे उसके नीचे आपको उसकी वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। अब अगले साइड में आपको इधर माइक का पोर्ट देखने को मिलता है, माइक के पोर्ट के नीचे आपको एक SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, उसके बाद आपको पावर बटन देखने को मिलती है और डिलीट विलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आते हैं मेन क्वालिटी पे कि इसकी साउंड कैसी है। तो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उस पर मैंने पॉप फिल्टर लगाया हूँ और ये थोड़ी सी एडिटेड वॉइस है। तो अब मैं आपको इसका एकदम ही रॉ आउटपुट सुनाता हूँ। तो अब जो आप सुन रहे हैं वो इसकी एकदम ही रॉ आउटपुट है और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। फिर से मैं एक बार बता दूं, मैं इसको पॉप फिल्टर से यूज कर रहा हूँ क्योंकि काफी सेंसिटिव माइक्रोफोन है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ यूज केसेस के बारे में। तो बेसिकली आप इसे जैसा मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ एक माइक्रोफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर आप इसे डायरेक्टली कैमरे में भी प्लग इन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो इसका लाइन आउट का पोर्ट है ना, उसमें आपको माइक का केबल लगा देना है और उसको आपके कैमरे में लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली कैमरे की जो सेटिंग रहती है ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसमें जाना है। उसके बाद इसका जो लेवल है वो काफ़ी लो सेट कर देना है, आप माइक और कैमरा दोनों में से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली चीज, आप इसे एज अ ऑडियो इंटरफेस यूज कर सकते हैं। आप इसमें इस तरफ आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं, आप कोई भी माइक्रोफोन लगा सकते हैं जिसमें आपको जैक देखने को मिलता है, और इस तरफ आप उसका डायरेक्ट जो रियल टाइम आउटपुट रहता है उसे आप सुन सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और आप इसे इंटरव्यू वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप इसे एज अ वायरलेस माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इसके लाइन इन के पोर्ट में आपको एक लेवनियर माइक्रोफोन लगाना होगा और आप इसे उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे एक वॉइस रिकॉर्डर की तरह यूज कर सकते हैं। आप अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसकी वॉइस भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अगर फॉली का काम करते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। और साथ ही साथ इस माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से आप इसे एज अ ASMR माइक्रोफोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। पर मुझे इसकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मैं जब से इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं बस वही चीज़ कर रहा हूँ, वो है भाई नेचुरल साउंड सुनना। तो मुझे यही जो मेरी आवाज़ है वो सुनाई तो दे रही है पर वो काफ़ी एम्पलीफाई होके सुनाई दे रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। मैं रुको आपको इसका थोड़ा सा गेन बढ़ा के दिखाता हूँ। तो नेचुरल साउंड ही कितनी ज़्यादा बढ़िया साउंड करती है और टाइम पास करने के लिए मस्त चीज़ है। तो गाइज ये तो हो गए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट, पर यार हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो जो पहली चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ है तो काफ़ी चीप सा फील होता है। इसके अलावा इसमें जो बैटरी लगती है वो AAA बैटरी लगती है, जिसे यार कॉमन भाषा में हम पेंसिल सेल कहते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो ज़रूर एक कमी है। उसकी जगह अगर कोई रिचार्जेबल
बैटरी होती या फिर कोई बड़े सेल होते तो काफ़ी अच्छा होता। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है और मेरे हिसाब से ये माइक्रोफोन उन लोग को लेना चाहिए जो छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर फॉली का काम करते हैं या फिर वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। पर अगर आप नॉर्मल सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाते हो या फिर सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हो तो इससे भी अच्छे ऑप्शन है इसके प्राइस में। हाँ, इसके जितनी वर्सिटिलिटी नहीं है उनमें, पर डेफिनेटली इससे अच्छे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। पर अगर आपको सारी चीजें चाहिए उन सब चीजों के लिए तो ये एक इकलौता ही ऑप्शन है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।